हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो। दोस्तों, हर हफ्ते मैं अपने इस शो में आपको जाने माने एक्सपर्ट से मिलवाती हूँ और हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं जो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसे हम शायद प्रॉब्लम मानना ही नहीं चाहते, जो हमारे साथ हर रोज़ होती है, और वो है हमारे रिलेशनशिप्स में खटपट। अक्सर इस खटपट की वजह से पहले तो हमारी मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है और बहुत जल्दी वो हमारे फिजिकल हेल्थ पर भी दिखता है। तो आज मैंने अपने स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है जो कि एक रिलेशनशिप काउंसलर हैं और एक मैट्रिमोनियल कंसल्टेंट भी हैं। वेलकम टू द शो रेनू गर्ग, इट इज़ वंडरफुल टू हैव यू हियर। आपने ठीक कहा डॉक्टर मीनू कि हम रिलेशनशिप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं मानना चाहते हैं। जी मैम, आप इस फील्ड में 12 साल से हैं और आपकी वेडिंग इंपीरियल वेडिंग्स इट इज़ क्वाइट फेमस ऑल्सो, तो रिलेशनशिप्स के बारे में सबसे बेहतर आप जानती हैं। तो मैम, क्या देखती हैं आप जब आपके पास आप किसी की मैट्रिमोनी लाइक जैसे मैच बनाते हैं, तो क्या क्या एस्पेक्ट्स को आप कंसिडर करते हैं मैच मेकिंग के टाइम? या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। वैसे तो देर आर एन नंबर ऑफ क्राइटेरियाज विच वी टेक केयर ऑफ एंड पीपल दे हैव अ बिगर लिस्ट। उनके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कि हमें आउटर अपीयरेंसेस ऐसे चाहिए, फिर हमें एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड सोशल स्टेटस। हम जो भूल जाते हैं और जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं वो है हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी। और हम मेंटल कंपैटिबिलिटी असेस किए बिना वी गेट इनटू रिलेशनशिप्स वेरी फास्ट। होता ये है कि पेरेंट्स बच्चों को मिलाते हैं और उनको वक्त नहीं देते हैं कि वो उस मेंटल कंपैटिबिलिटी पे वर्क कर पाएँ। सिर्फ वो देखते हैं कि फिज़िकल अपीयरेंस अच्छा है, दोनों का मैच अच्छा है, और हमारा सोशल स्टेटस अच्छा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है। ऑफ कोर्स देयर आर अदर एस्पेक्ट्स आल्सो लाइक एज, हाइट, देन कम्युनिटी, देन कास्ट, रिलीजन, वो सारे फैक्टर्स तो खैर हैं ही वो जो हम कंसिडर करते हैं, बट देन वी डोंट लेट आवर चिल्ड्रन वर्क ऑन देयर मेंटल कंपैटिबिलिटी एंड दैट्स वेयर वी फॉल फ्लैट, वी डोंट वर्क ऑन इट। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। वी शुड गिव आवर चिल्ड्रन सम टाइम, probably not less than 2-3 months to know each other better and then take the plunge. जी मैम, आजकल बहुत छोटी एज में भी बच्चों के रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाते हैं जी, लेकिन फिर भी लेट मैरिजेस हो रही हैं जी। ये एक बड़ा ट्रिकी सा एस्पेक्ट है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ, अर्ली ऑन चिल्ड्रन आर टेंड टू गेट इन टू रिलेशनशिप्स बिकॉज एक वॉइड होता है। आजकल एक एक दो दो बच्चे हैं सबके, तो वो फैमिली में वो बॉन्डिंग और वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो दे लुक फॉर यू नो दे लुक फॉर लव, मे बी अफेक्शन, एक्नॉलेजमेंट, इस चीज़ के लिए, अटेंशन के लिए बच्चे बाहर ढूंढते हैं, और उनको कहीं पर भी वो चीज़ें, वो फैक्टर्स अगर उनके अकम्प्लिश हो रहे हैं देन दे टेंड टू फॉल फॉर इट। बट हैविंग सेड दैट, उस रिलेशनशिप्स के बाद उनके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो जो उनकी चाहते हैं या उनके एम्बिशंस हैं वो इतने बढ़ जाते हैं कि वो अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर में इतनी सारी क्वालिटीज़ चाहते हैं कि वो एक रोबोट में ही हो सकती हैं, एक ह्यूमन बीइंग में तो हो ही नहीं सकती। हम चाहते हैं कि हमें अपने लाइफ पार्टनर से, सॉरी मैं यहाँ से दोबारा बोलूँगी, हम चाहते हैं कि हमारे हमें अपने लाइफ पार्टनर से ऐसा कुछ मिल जाए कि ऐसा कोई एक परफेक्ट आइडल पर्सन मिल जाए कि जिसमें कोई फ्लॉ ही ना हो, विच इज़ इम्पॉसिबल। ऐसा कभी नहीं होता है, पीपल हैव फ्लॉज, और फ्लॉज के बिना तो कुछ कोई रिलेशन, कोई इंसान ही नहीं बना है, भगवान ने बनाया नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट वी फॉरगेट एंड दैट्स हाउ वी कीप लुकिंग फॉर अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर एंड द सर्च नेवर एंड्स एंड वी गेट डिलेड। मैम, कई बार ऐसे केसेस भी देखने में मिलते हैं जहाँ बहुत लॉन्ग टर्म अच्छा सा रिलेशनशिप चलता है, 4 years 5 years, और उसके बाद व्हेन दे गेट इनटू मैरिज वेरी सून थिंग्स डोंट वर्क और वेरी सून दे आर लुकिंग फॉर अ डिवोर्स। मतलब पहले ऐसे होता था एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और अब ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है क्योंकि हम जब किसी से मिलते हैं, हम एक रिलेशनशिप में होते हैं, हम अपना बेस्ट देते हैं, और जब हम एक रिलेशनशिप को जब स्टैम्पिंग हो जाती है, मे बी वी दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैरिज, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड।
we don't work for that relationship every day. We stop working on that. And we start going outwards. हम बाहर चीज़ें ढूंढनी शुरू कर देते हैं. हम उस रिलेशनशिप में देना बंद कर देते हैं. हमें सिर्फ ये लगता है कि अब हमें मिलना चाहिए, हमें देना बंद कर देते हैं. तो इसीलिए हमें उसमें खामियां नज़र आती हैं, कमियां नज़र आती हैं, और वो कमियां लड़ाइयों में कन्वर्ट हो जाती हैं. अगेन वो लड़ाइयां हमें बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस देती हैं एंड अल्टीमेटली टेक्स अ टोल ऑन आवर हेल्थ ऑल्सो. सो दैट्स हाउ इट हैपेंस. रेनू मैम, आपने जैसे अभी बताया कि रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम देना चाहिए सो दैट यू गेट टू नो द मेंटल लेवल या एक मेंटल कंपैटिबिलिटी हमारी अचीव हो जाए. तो आप भी तो लोगों के लिए मैट्रिमोनियल पार्टनर्स ढूंढती हैं अपनी साइट पर, तो क्या आप भी उनको इतना ही टाइम देती हैं? मतलब व्हाट इज़ योर रोल, हाउ डू यू हेल्प पीपल टू गेट द राइट मेंटल कनेक्ट फॉर ईच अदर? या आई ऑफ कोर्स आई टेल एंड आई ट्राई एंड गाइड पीपल एंड डू द काउंसलिंग ऑल्सो. एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है उसमें ये होता है कि हमने एक फैमिली से बात करी और लड़का या लड़की देखा, तो पेरेंट्स का ये प्रेशर होता है कि आप डिसीजन लीजिए, एक बार मिल लिए, आप दो बार मिल लिए, यू हैव स्पोकन फॉर 1 or 2 hours और आप डिसीजन लीजिए. तो बच्चे कभी कभी इसमें फोर्सफुली डिसीजन ले लेते हैं कि पेरेंट्स कह रहे हैं प्रेशर है तो अब शादी तो करनी है, सब कुछ ठीक लग रहा है. जो सुपरफिशियली ठीक लग रहा होता है वो कितना ठीक है, हमें टाइम इसलिए देना चाहिए क्योंकि वक्त के साथ हम एक इंसान को बेहतर तरीके से जान सकते हैं. एक महीने में या 4 बार मिलने से हर कोई अपना बेस्ट फ्रंट रखेगा. हमें फ्रंट वो बेस्ट नहीं देखना है, हमें उस इंसान को उसकी कमियों के साथ अपनाना है. तो हमें उसकी वो खामियां वो कमियां भी देखना ज़रूरी है. तो वो इनिशियली 1-2 बार मिलने से वो कमियां ना तो पता लगती हैं और ना ही कोई वो दिखाता है. इट ओनली हैपन्स व्हेन वी स्पेंड टाइम, व्हेन वी स्पीक एट लेंथ. हम एक इंसान से रोज़ बात कर रहे हैं, उसकी दिनचर्या जान रहे हैं, उसकी दिनचर्या को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो सुबह जल्दी उठता है. तो आर वी ओके विद इट? कुछ लोग हैं जो पार्टी लवर्स हैं, मे बी द गर्ल इज़ नॉट ऑफ दैट काइंड. और अगर वो लड़का रोज़ पार्टी कर रहा है एंड इफ़ शी डजंट नो अबाउट इट और उसकी शादी हो जाती है, अगर वो उसको वो कल्चर वो लाइफस्टाइल पसंद ही नहीं है तो ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम्स होंगी. तो हम जब समय देते हैं तो हमें सामने वाले के बारे में इन एंड आउट सब कुछ पता चलता है कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसकी रिलीजियस वैल्यूज़ क्या हैं, उसके फ्रेंड सर्कल में कैसा फ्रेंड सर्कल है, उसकी हैबिट्स क्या हैं. अगर वो लड़का इज़ इनटू स्मोकिंग और मे बी ड्रिंकिंग एंड यू आर इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू यू और वो आपको 1-2 meetings में नहीं पता चला, तो वो आप बाद में उसको पता चला और वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल हैव प्रॉब्लम्स. तो हमें इसीलिए मैं बच्चों को भी बोलती हूँ, उनके पेरेंट्स को भी बोलती हूँ कि लेट किड्स टॉक एंड लेट देम रियलाइज दैट येस दिस इज़ द राइट लाइफ पार्टनर फॉर मी. लेट देम रियलाइज इट देमसेल्व्स रादर देन फोर्सिंग देम एंड मेकिंग देम टेक अ रॉन्ग डिसीजन. रेनू मैम, जैसे आपने बताया इंडियन सोसाइटी में पेरेंट्स प्रेशराइज़ करते हैं बच्चों को कि आप थोड़ी देर मिल लिए, बात कर ली, तो आप जल्दी से डिसीजन लो एंड मूव अहेड. पर आपको नहीं लगता कि जब कोर्टशिप पीरियड थोड़ा सा लंबा हो जाता है और जैसे आप बता रहे हैं कि दूसरों एक दूसरे की कमी भी हमें पता चले, एक दूसरे की वीकनेसेस जब हम जाने और हमें पता चले कि हम इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के साथ हम नहीं एडजस्ट कर सकते और आपस में कुछ प्रॉब्लम हो, तो आपको नहीं लगता कि कोर्टशिप पीरियड में भी रिश्ते टूटने लगेंगे? और कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी में पेरेंट्स को इसी बात का डर होता है जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि पेरेंट्स बच्चे जल्दी से डिसीजन लें और आगे बढ़े, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ऑफकोर्स अगर हमें कमियों के बारे में कोर्टशिप पीरियड में पता लगता है तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता. अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. अगर हम आज एक रिलेशनशिप को संभाल नहीं पा रहे हैं और वो टूटने की कगार में है तो ये बेहतर है कि वो आज ही डिसीजन लेकर हम उसे तोड़ दें, रादर देन कि हम लीगैलिटीज़ में जाएं शादी होने के बाद. पहले तो अपने समाज में हम उस बदनामी से डरते हैं कि वो ना हो, दूसरा वो जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं इसमें उसमें जाएं, फिर एक डिवोर्स एक हमारा एक जो लीगल प्रोसेस है इतना लेंदी है और उसमें हम इट टेक्स लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर आता है. और जब आप जानते हो आप डॉक्टर हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है कि अगर
मेंटल आप मेंटली अगर हेल्दी नहीं है तो आप फिजिकली हेल्दी तो हो ही नहीं सकते, ना तो आप समय दे पाएंगे, ना तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टेबल हो पाएंगे, ना अपनी पर्सनल लाइफ में स्टेबल हो पाएंगे। जी तो इट्स बेटर कि हम अगर ये डिसीजन अगर नहीं वर्कआउट होता है तो हम अभी उसी समय पर उस पर डिसीजन ले लें, रादर देन हम बाद पे उस पर हम पश्चाताप करें। जी जी मैं यहाँ अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी, बहुत अच्छी बात कही रेनू गर्ग ने, कि जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज करते हैं और फिर बाद में वही पेरेंट्स बच्चों के डिवोर्सेस के लिए और उन्हीं रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, रिपेयर वर्क में टाइम लगाते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि स्टार्टिंग में ही पता लग जाए असलियत का और देखभाल कर ही ये चीज़ करें। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को टाइम दें, स्पेशली ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड। और अगर आप रेनू गर्ग से मिलना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, तो इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इनका इम्पीरियल वेडिंग्स के नाम से इनका मैट्रिमोनियल साइट है, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। रेनू मैम, आप एक मैट्रिमोनियल कंपनी रन करती हैं और इतने साल हो गए आपको, तो ऐसा भी तो हुआ होगा कि किसी का आपने रिश्ता करवाया होगा, इनफैक्ट कई रिश्ते करवाए होंगे, और कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहाँ 6 महीने के बाद, साल के बाद पेरेंट्स आए आपके पास और बोले आपने कहाँ फंसा दिया, या इतना प्रॉब्लम हो रहा है, ये कहाँ हमारा रिश्ता करा दिया, तो आपने उन रिश्तों को फिर से जोड़ा हो। जी ऐसा काफ़ी बार हुआ है, इनफैक्ट शादी के बाद भी, और जैसे एंगेजमेंट हो जाती है उसके बाद भी कई लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, और हमने बहुत अच्छे लेवल में और एक दूसरे के साथ बैठ के दोनों पार्टीज़ को बिठा के बच्चों के साथ बात करके और उन चीज़ों को रिजॉल्व कराया है। एक्चुअली पेरेंट्स का एक थॉट प्रोसेस होता है और बच्चों का एक थॉट प्रोसेस होता है, और उनके बीच में एक जनरेशन गैप है। जी पेरेंट्स अपने तरीके से सोचते हैं, बच्चे अपने तरीके से सोचते हैं, तो उनके बीच में एक ब्रिजिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि जो उनकी जो वुड बी डॉटर इन लॉ होगी वो अब उनकी कस्टम्स को, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को आगे लेकर बढ़े, जबकि अगर उनके बेटे से बात की जाए तो वो कहेगा कि मेरे साथ जो मेरी वाइफ है वो पार्टीज़ में जाए और क्लबिंग करे मेरे साथ। तो दे वॉन्ट अ मिक्सचर और मे बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो उनको अपने हिसाब से चाहिए, बच्चे को अपने हिसाब से चाहिए, तो उसमें हमें ब्रिजिंग करनी पड़ती है, दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ता है एज़ फार एज़ देयर थॉट प्रोसेस इज़ कंसर्न। जी तो उनको मेलो डाउन करना पड़ता है पेरेंट्स को कि ज़माना बदल गया है और यू हैव टू लाइक एक्सेप्ट किड्स एज इट इज़, जैसे आपका बेटा है वैसे ही आपकी डॉटर जी इन लॉ भी होगी, और उसको आप एज अ डॉटर एक्सेप्ट कीजिए, थोड़े से लिबरल होइए क्योंकि समय बदल रहा है। और उनके बेटे को समझाना पड़ता है कि आप अपने पेरेंट्स को निग्लेक्ट ना करें और अपनी जो वाइफ है उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए एक बैलेंस क्रिएट करें, ताकि दोनों में जो बैलेंसिंग एक्ट है, क्योंकि एक्चुअली बेटे को करना पड़ता है, सिंस दी पर्सन हु हैज़ कम इन दी फैमिली इज़ न्यू टू दैट फैमिली, शी डजेंट नो अबाउट दी फैमिली और दी वैल्यूज़ ऑफ द फैमिली। तो ये बेटे का यहाँ पे रोल बहुत है कि वो कैसे उन दोनों के बीच में एक तालमेल बिठाता है। तो वहाँ पे लड़कों को ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, वेर एज पेरेंट्स और दी दी डॉटर इन लॉ और मे बी द वाइफ ऑफ द पर्सन इज़ कंसर्न। रेनू जी, इतने लोगों को आपने जोड़ा, इतने संबंध बनाए, इतने लोगों को इतनी खुशियाँ दी, तो जाने से पहले अगर आपसे एक रिलेशनशिप एडवाइस ना लें तो ये शो तो अधूरा ही रह जाएगा, जी तो आप मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ बताएं। जी फॉर किड्स हु आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, उनके लिए ये है कि आप आने वाले अपने जीवन साथी में उसकी आउटर ब्यूटी को ना देखकर उसकी इनर ब्यूटी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें, बिकॉज़ दैट्स गोइंग टू गो लॉन्ग वे। शायद आज जो इंसान ब्यूटीफुल है कल को इतना खूबसूरत ना रहे, बट अगर उस इंसान का आपसे टेम्परमेंट मिलता है, के साथ आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी मैच करती है, वो एक अच्छा इंसान है जिसमें मॉरल वैल्यूज़ हैं, दी पर्सन इज़ हाई ऑन मॉरल वैल्यूज़, और वो रिलेशनशिप को संभाल के आपके साथ चलने के लिए तैयार है, एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और आउटर ब्यूटी पे ज़्यादा फोकस ना करें। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि
हमें किसी से भी अगर प्यार चाहिए तो उसे पहले प्यार देना पड़ता है। प्यार का यही एक ही फिलॉसफी है कि जब आप सामने वाले को प्यार देके उसका घड़ा प्यार से भर देते हो तो वो जब आउटफ्लो होता है, ओवरफ्लो होता है, वो आपके पास आता है। तो प्यार हमेशा देने के बाद आपके पास वापस आता है। तो आप देने की कोशिश कीजिए एनी रिलेशनशिप, ट्राई एंड गिव समथिंग गुड टू दैट रिलेशनशिप, यू दैट रिलेशनशिप विल रेसिप्रोकेट विद लव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रीनू गर्ल, थैंक इट यू वॉज सो मच फॉर वंडरफुल। हैविंग मी, थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लगी होगी। रीनू गर्ल से अगर आप बात करना चाहते हैं, इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दोबारा दे रही हूँ, जुड़े रहिए। एक और गेस्ट से मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियाँ। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे हम अभी हमने बात करी रिलेशनशिप इश्यूज़ के बारे में, तो हमने देखा कि कैसे रिलेशनशिप इश्यूज़ की वजह से हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। इसी तरह से कई बार हमें कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कोई सिम्टम्स हमारी बॉडी इंडिकेट करती है, पर हम समझ नहीं पाते कि ये एक्चुअली कोई हेल्थ कंसर्न है, या हमें लगता है मे बी हेडेक हो रहा है तो वैसे ही हो रहा है, या हम टायर्ड हैं, नींद पूरी नहीं हुई, या हमारी बॉडी में पेन्स हैं तो हम उसको लाइटली ले लेते हैं। पर अगर हमें ये पता हो कि हमारे पास में ही कोई अच्छा कंसल्टेंट फिजिशियन है जो हमें गाइड कर सके और हमें बता सके कि ये एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है या मे बी इट इज़ नथिंग सीरियस, तो हम ज़रूर उससे कंसल्ट करना चाहेंगे। तो ऐसे ही एक कंसल्टेंट फिजिशियन हमारे साथ आज जुड़े हैं, जिनका नाम है डॉक्टर विशाल गर्ग। आइए मिलते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर गर्ग। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर विशाल। डॉक्टर गर्ग, जैसा मैं अभी बता रही थी कि कई बार हमें बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी मोटी, जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। बॉडी एक हो गया, पेन्स हो गए, हेडेक्स हो गए, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को कहाँ तक आप समझते हैं कि हम इग्नोर कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि यदि किसी इंसान को बॉडी पेन्स लगातार हो रहे हैं या सिर में दर्द बना हुआ है, उसने घर पे एक दवाई खाई और उसको नहीं आराम आ रहा है, या बार बार उसको इस दवाई को लेना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में उसे डेफिनेटली डॉक्टर को मिलना चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद तो डेफिनेटली हम कहते हैं कि यदि किसी मरीज़ को बार बार कोई बॉडी एक हो रहा है, या हाथ में दर्द आ रहा है लेफ्ट साइड के अंदर, या वो कहता है कि मुझे परसिस्टेंट एक हेडेक सा बना हुआ रहता है, सर में भारीपन रहता है, तो उसको बीपी ज़रूर चेक कराना चाहिए। आजकल तो ज़्यादातर घरों में भी बीपी अपरेटस होता है, या तो खुद ही बीपी चेक करे या वो डॉक्टर को कंसल्ट करे। डॉक्टर को कंसल्ट करना डेफिनेटली बेटर रहता है रैदर देन कि वो खुद ही घर पे चेक करें और फिर खुद ही डिसाइड करें कि उनको बीपी है या नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि कुछ कुछ मरीज ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हमें डॉक्टर साहब प्यास बहुत लगती है। वो सोचते हैं कॉमन है, प्यास लग रही है, गर्मी आ गई है, प्यास लग रही है बहुत, कोई बात नहीं। फिर कहते हैं पेशाब बहुत आ रहा है, डॉक्टर साहब वो तो पानी पिया था तो पेशाब बहुत आ रहा है, तो इसमें क्या हुआ? नहीं, शुगर की 3 मेन सिम्टम कहे जाते हैं जो इंग्लिश में पी से होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया, यानी कि ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना और ज़्यादा पेशाब आना। तो यदि कोई मरीज़ फील करता है कि वो एबनॉर्मली हाई पानी पी रहा है, या एबनॉर्मली बार बार उसको पेशाब करने जाना पड़ रहा है, तो उस चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मिलिए और अपना चेकअप कराइए। बीपी और शुगर दो ऐसी बीमारियां हैं जो फुल्ली ट्रीटेबल हैं, जो 100% यदि आप सही दवाइयाँ ले रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज कर रहे हैं, तो उससे आपके आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को हम डेफिनेटली रोक पाएंगे। जी डॉक्टर, अक्सर ऐसा भी तो होता है, बीपी का पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, मेडिसिंस तो ले लेते हैं, लेकिन फिर भी मेडिकेशन अलोन इज़ नॉट इनफ। देर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो उनको केटर करनी पड़ती हैं, और अक्सर ऐसा भी होता है मेडिसिन लेने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता। तो मैं चाहूँगी वो चीज़ें आप मेरे व्यूअर्स को बताएं जो अलोंग विद द मेडिसिन दे हैव टू डू। बिल्कुल सही पॉइंट पर आई हैं आप। देखिए, ऐसा है कि मैं अपने मरीजों को जो पहली बार आते हैं उनको हमेशा कहता हूँ कि जो आप मेरे पास आए हैं ये 50% इलाज है, और ये 50% इलाज भी तभी काम करेगा जब आप बाकी 50% करेंगे, वरना ये बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी ये दवाइयाँ। तो वो मरीज़ भी हैरानी से देखता है कई बार मुझे कि डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हम आए हैं और आप कह रहे हैं दवाइयाँ काम नहीं करेंगी और आप लिख रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ ये होता है कि सबसे पहले डायबिटिक मरीज़
को अपने आप को खुद ठीक करना है, यानी कि उसको अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना है, उसको अपना खान पान मैनेज करना है, उसको अपनी आदतें, यानी कि जैसे कि अल्कोहल या स्मोकिंग वो करते हैं तो उसको, तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मोर देन 50% आई विल से डायबिटीज़ इसी से ठीक होती है। अब इसको थोड़ा सा इलेबरेट कर सकते हैं, जैसे कि यदि खाने पीने की बात करें तो हम हर मरीज़ को बताते हैं कि उसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। आजकल जो कंसेप्ट है ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद हो गया, कि आम बंद कर दो, आप आइसक्रीम बंद कर दो, ये सब नहीं खाओगे, चावल कभी नहीं खाओगे, ये पुराने कंसेप्ट थे। आजकल हम बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, यानी कि आपको यदि आइसक्रीम खानी है तो आपको ये हटा देना है और ये आइसक्रीम खा लीजिए। आपको यदि रोटी नहीं खानी, कभी मन करा चावल खाना है तो आप चावल खाइए, आप एक रोटी हटा दीजिए उसके इतने चावल ले लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो शुगर बढ़ रही है वो तो सिर्फ जो हमारा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है आम भाषा के अंदर या ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो हम कहते हैं मेडिकल भाषा में, उस पर डिपेंड करता है। तो यदि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है शुगर का, जैसे आइसक्रीम का, तो हम थोड़ा सा कम ले लेंगे और एक चीज़ को हटा देंगे ताकि मरीज की इच्छाएँ पूरी हो सकें और वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। दूसरी चीज़ जो मैंने कहा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि डेली एक्सरसाइज, बहुत मुश्किल है इंडिया के अंदर, बहुत लोग नहीं करते हैं, पर इतना भी मुश्किल नहीं है। यदि आप एक प्रण बना लें कि हाँ मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे अपनी शुगर को कंट्रोल रखना है, तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हैं। डेली 20 से 25 मिनट की एक ब्रिस्क वॉक यदि आप कर लेते हैं तो एटलीस्ट आप अपने जो मोटापा है उसको तो रोक ही लेंगे, और यदि आप 30 मिनट से ऊपर चले जाते हैं तो डेफिनेटली आप वेट लॉस भी करेंगे। आजकल मेरे ख्याल सबके पास स्मार्टफोन है और सब में ऐप्स डली हुई हैं, तो आप यदि 10,000 स्टेप्स कर लेते हैं डेली के, ठीक है ना, या 5 किलोमीटर्स टोटल वॉक कर लेते हैं, तो आई थिंक दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन मैनेजिंग डायबिटीज़। थर्डली जो मैंने कहा कि हैबिट्स, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, सो दैट हैज़ टू बी अवॉइडेड, वो तो हमें हटाना ही होगा, हमें अपने आप को सुदृढ़ बनाना होगा कि अब बीमारी है, बीमारी ना हो तब भी हटाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो बीमार है उसको तो और ज़्यादा इस बारे में सोचना है कि वो इसको हटा सके। तो आई फील दैट दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट और इक्वली इम्पॉर्टेंट आई विल से टू मेडिसिन। आप डॉक्टर के पास आए हैं, वो दवाई लिखेगा, लेकिन दवाई तभी काम करेंगी जब ये सब चीज़ होगा। यदि आप छोले भटूरे खा के दवाई को खा रहे हैं तो वो शायद नहीं काम करेगी वो आपके ऊपर, या वो हर बार मैं दवाई बढ़ाता जाऊँगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। करेक्ट डॉक्टर गर्ग, एक चीज़ बहुत कॉमन है, हेडेक। आजकल हर किसी को इतना स्ट्रेस है, छोटी छोटी बात पे हेडेक स्टार्ट हो जाता है, कभी माइल्ड हो जाता है, कभी सीवियर हो जाता है, और सबके घर में जो हमारा एक फर्स्ट एड बॉक्स, मेडिसिन बॉक्स, उसमें से हम एक दवाई निकालते हैं और खा लेते हैं। कभी कभी ये हेडेक्स हमारे ना, और मेडिसिन खाना, दिस बिकम्स अ हैबिट। और ये मैं अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहूँगी, कब तक हम हेडेक्स को इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेरी। नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हेडेक्स को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना। हेडेक जो है वो एक बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है। 3-4 मेन बीमारियां हैं जो हमें सोचनी चाहिए जब भी हमें हेडेक आता है। देखो, यदि कोई एक बार ऑफ द रिकॉर्ड हेडेक हो गया और उसने दवाई खा ली, दैट्स ओके। लेकिन यदि किसी पेशेंट को परसिस्टेंट हेडेक है, परसिस्टेंट का मतलब होता है कि मोर देन 48 आवर्स उसको हेडेक चले ही जा रहा है, वो गोली खाता है, 6 घंटे आराम आता है, फिर से हेडेक शुरू हो जाता है, तो इसको कहते हैं परसिस्टेंट हेडेक। यदि कोई उसको बार बार हेडेक हो रहा है, लगातार चल रहा है, तो उसका इवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। सबसे कॉमन तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण हेडेक होता है, तो ब्लड प्रेशर को देखना बहुत ज़रूरी है उस वक्त कि ब्लड प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हमने नहीं ध्यान दिया, ठीक है, इट कैन लीड टू समटाइम्स एक्यूट हैमरेज, यानी कि दिमाग में नस, खून की नस भी फट सकती है। इस हद तक वो मरीज बीमार हो सकता है जो सिर्फ एक हेडेक सोच के बैठा हुआ था कि मुझे तो सिर्फ हेडेक ही है और कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए, आप अपना बीपी चेक करवाइए, उसको बताइए कि मुझे हेडेक हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है। दूसरा बहुत कॉमन कारण है माइग्रेन, जो लेडीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू जेंट्स, बट जेंट्स में भी होता है, ठीक है, तो माइग्रेन का इलाज। थर्डली आई कैन से कि यदि ये दोनों चीज़ें आपने रूल आउट कर ली हैं और आपको डॉक्टर को लगता है कि आगे कुछ ज़रूरत है, तो डेफिनेटली ही विल आस्क फॉर एन इन्वेस्टिगेशन लाइक सीटी स्कैन या MRI। हमें ये देखना होगा कि यदि एक्यूट का मतलब होता है कि अचानक से शुरू होने वाले हेडेक, इसमें बीपी हो सकता है, वेस्कुलर हेडेक जो मैंने माइग्रेन बताया आपको वो, तीसरी चीज़ है कि दिमाग के अंदर कोई गांठ हो, मास जिसे कहते हैं, कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा हो, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें हमें रूल आउट करनी होंगी। ये सब बीमारियाँ मोस्ट कॉमनली हेडेक के रूप में प्रेजेंट होती हैं।
तो हेडेक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना जैसा आपने मुझसे पूछा। और यदि आपको लगता है कि हाँ बार बार हेडेक हो रहा है तो डेफिनेटली इट नीड्स अ वर्कअप और आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर, एक चीज़ बहुत कॉमन है डायबिटीज़, और जैसे आपने अभी बीपी के बारे में बताया, हेडेक हुआ तो चेक कर लो, अपैरेटस सबके घर में अवेलेबल होता है, बट शुगर के लिए ऐसा नहीं होता क्योंकि हर घर में ग्लूकोमीटर नहीं होता। और डायबिटीज़ के इनिशियली इफ़ इट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपर, सिम्टम्स आर ऑल्सो सिमिलर, तो तब कैसे पता चले किसी को कि डायबिटीज़ का इशू है? हाँ देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी, अभी भी हम जो बताना चाह रहा हूँ मैं, कि जो डायबिटीज़ है वो पता कैसे चलेगी आम मरीज़ को, ठीक है ना। एक तो सबसे पहले है हिस्ट्री, यानी कि मरीज़ के जो माँ बाप हैं, जो नाना नानी दादा दादी, क्या किसी को शुगर है, तो मोर चांसेस हैं कि उस पेशेंट को शुगर हो सकती है, ठीक है। ये तो हिस्ट्री की बात हो गई। दूसरी बात है उसको सिम्टम क्या होंगे। जैसे मैंने बताया कि हर वक्त थकान रहना, पेशाब ज़्यादा आना, पानी ज़्यादा पीने की इच्छा करना, ठीक है। कुछ मरीज आते हैं जो कहते हैं सर पूरे शरीर में दर्द रहता है हमें हर वक्त, ठीक है, या कोई फोड़ा हो गया जो ठीक ही नहीं हो रहा। लेडीज़ मेरे पास आती हैं कि मैडम इसकी सर प्राइवेट पार्ट्स पे इन्फेक्शन हो गया, वो ठीक ही नहीं होता, हमने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया था तो आराम ही नहीं आता, वो दवाई देती है तो आराम आता है, फिर थोड़ी देर में हो जाता है। तो यानी कोई भी इन्फेक्शन किसी को लग रहा है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, ऐसी कंडीशन, उन सब कंडीशन में शुगर को चेक कराना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली आई टेल माई पेशेंट्स कि आप यदि 40 ईयर या 40 प्लस हैं तो डेफिनेटली एक हेल्थ चेकअप होना चाहिए। जैसे कि हम सब चीज़ों पे खर्चा करते हैं, लेकिन एक हेल्थ है जिस पे हम खर्चा नहीं करना चाहते। दैट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया कि हम खर्चा ही नहीं करना चाहते, कि इस पे खर्चा क्यों करना है, हम तो ठीक हैं। और हम तब तक ठीक है जब तक कि हमें हार्ट अटैक ना आ जाए इंडिया के अंदर। तो हमें वो सब चीज़ों को ही रोकना है। हमें अपनी सी शुगर भी रोक सकते हैं, और शुगर से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारा हार्ट, हमारी आँखें, वो तो बहुत ज़रूरी है रोकना। यदि हमें हो भी गई है शुगर तो उन सबको रोकने के लिए उसको मैनेज करना, पहले डिटेक्ट करना यानी कि हमें ढूंढना कि हमें शुगर है, दूसरा उसको फिर ठीक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर चेक करना बहुत महंगी जांच नहीं है। आपको कभी भी ऐसा कुछ लगता है तो डॉक्टर के पास जाइए, अदरवाइज़ किसी भी लैब में आप एक खाली पेट शुगर चेक करा लीजिए, वो आपको बता देगी कि आपको शुगर है या नहीं है। और है तो डेफिनेटली घर में बैठ के इलाज नहीं करना है उसका। देन आई विल से प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर, जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे मिलिए, उनकी सलाह लीजिए और उनकी देख रेख में रहिए। जी दोस्तों, हम अक्सर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए सोचते हैं कि अगर डॉक्टर को दिखाना है तो हम किसी स्पेशलिस्ट को ही दिखाएँ, किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएँ, किसी नॉन डॉक्टर को दिखाएँ, लेकिन कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हमें स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे कंसल्टेंट फिजिशियंस हमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप डॉक्टर विशाल गर्ग से मिलना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, तो इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। और अगर हम में से किसी को कोई सीरियस प्रॉब्लम है और अगर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत भी होगी तो ये कंसल्टेंट फिजिशियंस ही हमें वहाँ भेजेंगे। लेकिन यूट्यूब से देखकर, केमिस्ट से मेडिसिन लेकर, या उनसे कंसल्ट करना जो डॉक्टर्स नहीं हैं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर गर्ग, कोविड के टाइम हम सब वैक्सीन से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, ऑल एडल्ट्स, इवन एल्डरली पीपल। और लेकिन वैक्सीन्स का और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं, जैसे इवन डायबिटीज़ में भी वैक्सीन्स होती हैं हमें इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए। इन वैक्सीन्स के बारे में मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को थोड़ा क्लियरली बताएं। बिल्कुल, देखिए इनको कहते हैं अडल्ट वैक्सीनेशन। जैसे कि हमारे बच्चा होता है तो हम सबको पता है कि उसको वैक्सीन लगनी है, और हर माँ बाप अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाता है, चाहे वो सरकारी लगवाए चाहे वो प्राइवेट लगवाए, जैसा उसकी जेब अफोर्ड करती है। लेकिन अडल्ट वैक्सीनेशन का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना चाइल्ड वैक्सीनेशन, लेकिन हम लोग उससे इतने रूबरू नहीं हैं। यदि हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे वैक्सीन सब कंपलसरी हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी, इन्फेक्शन से लड़ने की जो ताकत होती है वो कम होती है, तो ऐसे मरीजों को इन्फेक्शन जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। इसके अंदर हमें कुछ तो बड़ी कॉमन वैक्सीन हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, आपने सुना होगा कि सर्दी खांसी जुकाम सबको होता है, जितने भी एल्डरली होते हैं इनको निमोनिया हो जाता है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। तो ऐसे में यदि हम इनको हर साल एक वैक्सीन लगा दें, फ्लू वैक्सीन जिसे कहते हैं आम भाषा के अंदर, तो उनके इस चांसेस को 70-80% हम रिड्यूस कर देंगे ऑफ इन्फेक्शन। यस, एंड मोर देन 50% चांसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन विल बी रिड्यूस्ड। सो मरीज को ये बात समझनी होगी कि
जो मेरा खर्चा उसके ऊपर हो, देखो एवरीथिंग कम्स टू खर्चा एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो यदि वो खर्चा उस वैक्सीन पे कर रहा है तो वो अपने अस्पताल के खर्चे बचा रहा है, ठीक है ना। तो फ्लू वैक्सीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, जो कि साल जो कि जिंदगी में एक बार लगनी है सिर्फ। ये तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा डॉक्टर गर्ग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू मैडम। तो दोस्तों ये थे आज के दो गेस्ट हमारे, जो कि बहुत एक्सपर्ट हैं और अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, पर इनके बारे में हम ज़्यादा जान नहीं पाते। डॉक्टर विशाल गर्ग से आप अगर मिलना चाहते हैं, इनके नंबर्स मैं दोबारा स्क्रीन पर यहाँ दे रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ से मैं आपको मिलवाती रहती हूँ और मिलवाती रहूँगी। जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।